बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 के जनरल साइंस में यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जो हमारे पास है पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह हमारे पास जो आबादी है वो बढ़ रही है और उसका हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारे माहौल पे क्या असर पड़ रहा है। तो कहते हैं कि अगर देखा जाए तो आबादी दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही है, और ये एक्चुअली हमारे पास किस वजह से भी है, इसका इसमें हमारे पास जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास आ रही हैं उनका भी इसमें असर है, उनमें इसका हाथ है। क्यों? इसलिए कि हमारे पास जितनी टेक्नोलॉजीज डिवेल्प हो रही हैं, हमारे पास हर एक चीज़ के खिलाफ जो है तो बीमारियों के ख़िलाफ़ हमारे पास वैक्सीन वगैरह आ गए हैं, उनका इलाज आ गया है, जिसकी वजह से ये जो शर अमवात है हमारे पास ये कम होती जा रही है, और बर्थ रेट हमारे पास दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही है, जिसकी वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है। कहते हैं कि ज़्यादा आबादी के रीज़न क्या है, इनका असर क्या पड़ता है। उनके असरात ये हैं कि इससे हमारे पास जो हमारा इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, इन्वायरमेंटल और जो सोशल हमारे पास जो स्फीयर है ज़िंदगी का, उस पर असर पड़ता है। किस तरह? कि जितनी आबादी ज़्यादा होगी उतना ही उन्हें ज़िंदा रहने के लिए चीज़ें चाहिए होंगी, रिसोर्स चाहिए होंगे, रिसोर्स हम पैदा करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास इकोनॉमिक माशी हालात जो है वो ख़राब होंगी, सियासत जो है पॉलिटिकल जो हमारे पास इश्यूज़ है वो बनती जाएंगी, गवर्नमेंट के लिए जो हमारे पास माहौल है उसके ऊपर भी असर पड़ता है। कहते हैं कि जो हमारे पास ओवर पॉपुलेशन है, ज़्यादा आबादी जो है, ये सिर्फ गरीब ममालिक या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो तरक्की पज़ीर ममालिक, सिर्फ उनका मसला नहीं है, बल्कि कहते हैं कि इनके जो असरात है वो हमारे पास डिवेल्प कंट्रीज़ जो है उस पर भी पड़ती हैं। किस तरह पड़ती हैं? क्योंकि हम जो इंसान हैं, अल्लाह ताला ने हम सबको ज़िंदा रहने के लिए, हम सबको ज़िंदगी गुजारने के लिए एक ही ज़मीन दी है, ठीक है। हम सब इंसान एक ही ज़मीन पर रहते हैं, वहाँ के जो वो है एटमोसफेयर है वो हम हमारा सबका सेम है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सेम है। इसके अलावा जो हमारे पास माहौलियाती जो तब्दीली की वजह से जो सैलाब वगैरह आते हैं, जो जलजले वगैरह आते हैं, जितने भी हैजर्ड्स वगैरह आते हैं, ये जो है तो किसी अमीर या किसी गरीब मुल्क को नहीं देखते। अगर एक जगह पे हमारे पास दुनिया की किसी एक कॉर्नर में, किसी मुल्क में हमारे पास इन्वायरमेंटल चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रही है, तो जारी बात है वो आबो हवा का असर दुनिया के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ता है, ठीक है। फिर आगे है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन, के हमारे पास जो ओवर पॉपुलेशन, इनका मनफी असरात क्या है। तो सबसे बड़ा इनका मनफी असरात ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट होती हैं, गुरबत पैदा होती हैं, पॉवर्टी आती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी पैदा होती है, पॉवर्टी गरीबी गुरबत जो है वो पैदा होती है, और रिस्ट्रिक्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंशन के मतलब एक मुल्क की अगर जितनी ही ज़्यादा आबादी होगी उतना ही वो मुल्क जो है वो समाजी सतह पर, वो इकोनॉमिक सतह पर हमारे पास तरक्की नहीं कर पाएगा। फिर इसके अलावा जो है हमारे पास है ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, के हमारी जो ह्यूमन आबादी हैं, जो ग्रोथ है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। कि कहते हैं कि 19वीं सेंचुरी में, 19वीं सदी में हमारे पास जो दुनिया की आबादी थी वो बढ़ती जा रही थी, लेकिन कहते हैं कि वो एक लिमिट में बढ़ रही थी। जब हमारे पास 20वीं सदी में हमारे पास जितना एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट आया है, टेक्नोलॉजी ने एडवांसमेंट शो किए, जितने हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ वगैरह बनती गई, कहते हैं उतना ही हमारे पास क्या है ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ भी क्या हो गई, वो बढ़ती गई। क्योंकि पहले ज़माने में हमारे पास जब कोई बीमारी आती थी, कोई वबाई मर्ज़ आ जाता, तो उसके खिलाफ कोई दवाई नहीं होती थी या कोई वैक्सीन वगैरह नहीं होती, तो लोग मर जाते थे। अभी हमारे पास या किल्लत की वजह से लोग मर जाते थे, अभी हमारे पास हर एक चीज़ का इलाज है। एग्रीकल्चर सतह पर हमारे पास अगर आबादी ज़्यादा हुई तो चीज़ें भी ज़्यादा बन रही हैं उनके ज़रूरत पूरी करने के लिए, तो इस वजह से क्या है वो आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हमारे पास डेथ रेट कम होते जा रहे हैं। फिर कहते हैं कि मेथड्स टू मेजर ह्यूमन पॉपुलेशन, के वो कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से हम ह्यूमन पॉपुलेशन, इंसानी आबादी को मेजर कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास सेंसस हैं, सेंसस के ज़रिए हम क्या करते हैं, एक एक बंदे को काउंट करते हैं। आपने देखे होंगे कि हुकूमती सतह पे जो हुकूमती लोग होते हैं वो घरों पर आते हैं और उनसे मालूम हासिल करते हैं कि जी आपके घर में कितने लोग हैं या उनका पेशा क्या है, ठीक है, उनकी एज क्या है, तो ये सारी मालूम वो हासिल करते हैं, और इस तरह वो एक इलाके के में जितने लोग रहते हैं उनका डेटा उनके पास आ जाता है। इस तरह हर एक इलाके का मिलकर फिर हमारे पास क्या है, पूरी एक एक इलाके का कर करके इस तरह पूरे मुल्क की आबादी का पता चलाया जा सकता है, ठीक है, सेंसस के ज़रिए। जो हमारे पास रोमन एम्पायर्स थे वो हमारे पास सेंसस किस तरह कंडक्ट करते थे, जो मिलिट्री एज मैन, यहाँ लिखा है द रोमन एम्पायर कंडक्टेड सेंसस इन ऑर्डर टू मेजर द पूल ऑफ मिलिट्री एज मैन एंड फॉर टैक्सेशन पर्पसेस। मिलिट्री एज मैन में हमारे पास वो लोग आते हैं जो 16
16-17 साल से ज़्यादा की उम्र के हों। तो रोमन एम्पायर में क्या होता था, रोमन जो हमारे पास हुकूमत था उसमें जो 16-17 साल से ज़्यादा के लोग थे उनकी एज को कैलकुलेट करते, मतलब ऐसे लोगों को कैलकुलेट किया जाता था किस पर्पस के लिए, टैक्सेशन पर्पस के लिए, कि मतलब उनके ऊपर टैक्स लगाया जा सके, इसलिए उन लोगों को सिर्फ कैलकुलेट किया जाता था। और हमारे पास इस्लामिक दुनिया में सबसे पहले जो कैलकुलेशन हुई थी, सबसे पहले जो सेंसिस कंडक्ट हुई थी, वो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में हुई थी। फिर है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी एक्चुअली मीनिंग इसका है डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल, के लोगों के बारे में जानना या लोगों के बारे में, ह्यूमन पॉपुलेशन, इंसानी आबादी के बारे में पढ़ना, उनके बारे में जानना, ठीक है। ये हमारे पास इसका फ़ायदा क्या है डेमोग्राफी का, ये हमें साइज़ और कंपोजिशन बताता है पॉपुलेशन का, कि एक अब कि किसी जगह पे जो आबादी है वो कितनी है, या उनकी उनकी कंपोजिशन क्या है, उनको क्या क्या चाहिए, या उनको क्या क्या चीज़ें उनको मुहैया हैं, इन सब चीज़ के बारे में हम आराम से बेट स्टडी कर सकते हैं या जान सकते हैं अगर हमें किसी इलाके की आबादी के बारे में मालूम हो। हम इसमें लोग के मूवमेंट के बारे में हम जो है तो हमें पता चल सकता है कि इस इलाके में कितने लोग माइग्रेशन करके गए हैं, कितने लोग इस दूसरे इलाकों से इस इलाके में आए हैं या इस इलाके से माइग्रेशन करके गए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है तो डेमोग्राफी का यही फ़ायदा है कि ये हमारे पास जितनी हमारे पास जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, इसके इफ़ेक्ट, इसके असर के बारे में हम आसानी से मालूम कर सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं, और उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उनके जो नेगेटिव इफेक्ट हैं उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमारे लिए स्टडी करना आसान हो जाता है डेमोग्राफी या डेमोग्राफी के ज़रिए। फिर हैं डिफरेंट डेमोग्राफिक वेरिएबल्स, के हमारे पास जो डेमोग्राफी हम करते हैं उनको कितने डिफरेंट कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो हम डेमोग्राफी में यूज़ करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है बर्थ रेट। बर्थ रेट कहते हैं बच्चों का पैदा होना, जिंदा बच्चों का पैदा होना, कि एक साल में हमारे पास आबादी में कितने लोग, कितने बच्चे पैदा हुए, जिंदा बच्चे पैदा हुए। और अगर हम किसी कंट्रीज़ का जो फर्टिलिटी रेट है, मतलब बच्चों की जो पैदाइश है, वो हम किस तरह मालूम करते हैं, कि जो डेमोग्राफर्स होते हैं, डेमोग्राफर्स एक्चुअली कहते हैं वो लोग जो पॉपुलेशन, जो आबादी के शोबे में डिफरेंट शोबे में काम करते हैं। मीन्स डेमोग्राफी आर दोज पीपल हु वर्क्स ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन। आबादी जो हमारे पास हैं उनके डिफरेंट जो जितने भी उनके एस्पेक्ट्स हैं उन पर काम करना, ठीक है। तो डेमोग्राफर्स वो होते हैं जो आबादी के बारे में जानते हैं, उनके जितने मसाइल हैं उनके बारे में, या उनका जो असर पड़ रहा है, इन सब के बारे में तालीम हासिल करते हैं, उनके बारे में जो बताते हैं। तो ये क्या करते हैं डेमोग्राफर्स, जो गवर्नमेंट सतह पर जाके रिकॉर्ड मालूम करते हैं कि हमारे पास कितने बच्चे पैदा हुए। जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका रिकॉर्ड जो है वो हॉस्पिटल्स वगैरह में पड़े होते हैं, ठीक है। तो वो हुकूमती सतह पर वो क्या करते हैं, वो सारी मालूम हासिल करते हैं, इसलिए हमारे पास बर्थ रेट का पता चलता है। अब हम बर्थ रेट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कि हमारे पास एक साल में कितने हमारे पास जिंदा बच्चे पैदा हुए हैं, उनके अमाउंट को हम डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन पे और मल्टीप्लाई करते हैं 1000 पे। तो इस तरह हमारे पास वो रिज़ल्ट आ जाते हैं कि इस एक साल में कितने बच्चे हमारे पास पैदा हुए, या बर्थ रेट कितना, कितने फ़ीसद का बर्थ रेट था, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है मोर्टेलिटी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मोर्टेलिटी कहते हैं शरह अमवात को, कि हमारे पास एक साल में 1000 लोगों में से कितने लोग मरे, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1000 लोगों में से एक साल में कितने लोग मरे, ये हमारे पास मोर्टेलिटी रेट कहलाता है। और इस पे भी हमारे पास जो पॉपुलेशन साइज़ है उस पे असर पड़ता है। मोर्टेलिटी रेट भी हम इस तरह मालूम करते हैं कि जितने हमारे पास एक साल में जितने अमवात हुए हैं उन्हें हम टोटल पॉपुलेशन पर डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 1000 के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इलाका है, उस इलाके का हम जो है तो मोर्टेलिटी रेट मालूम कर रहे हैं, तो कैसे हम मालूम कर सकेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल उस इलाके में हमारे पास 20,000 लोग रहते हैं, तो जितने लोग मरे हैं उनको डिवाइड करेंगे 20,000 पे और मल्टीप्लाई करेंगे 1000 पे, तो हमारे पास जितना आएगा वो हमें पता चल जाएगा कि इतनी डेथ रेट वहाँ हुई है, इस इलाके में इतनी हमारे पास मोर्टेलिटी रेट बन रही है। फिर है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि जितने हमारे पास जो छोटे बच्चे हैं, एक साल के अरसे वाले जो बच्चे होते हैं, एक साल के उम्र के जो बच्चे होते हैं, वो एक साल में कितने ऐसे बच्चे जो हैं वो मर गए हैं, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट कहते हैं कि टोटल जितने हमारे पास एक साल के अरसे में कितने लोग मरे हैं। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में हम बच्चों की अमवात के बारे में स्टडी करते हैं, बच्चों की अमवात के बारे में हम मालूम करते हैं, ठीक है, कि एक साल में हमारे पास एक साल के जो एज के बच्चे जो हैं वो एक साल में कितने ऐसे बच्चे हमारे पास मर गए हैं, ठीक है, या उनकी डेथ्स हुई हैं।
आगे है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि हमारे पास सोसाइटी का पॉपुलेशन है, जो आबादी है, उसमें जितने लोग मर रहे हैं उनकी एज क्या है, कितने एज के लोग मर रहे हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में आते हैं। फिर आगे है माइग्रेशन। माइग्रेशन कहते हैं एक इलाके से दूसरे इलाके में जाना, वहाँ हिजरत करना, वो हमारे पास क्या कहलाता है, माइग्रेशन। अब माइग्रेशन के हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है वॉलेंट्री, एक है इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई फैमिली है वो एक सिटी से दूसरी जगह, ऐसी जगह पर जाके शिफ्ट हो रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सहूलतें हैं, जहाँ स्कूल्स वगैरह हैं, जहाँ हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, वहाँ जाके जो डिवेल्प एरियाज़ होती हैं वहाँ जाके रिहाइश इख्तियार करती है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वॉलेंट्री माइग्रेशन लाता है। जबकि इनवॉलेंट्री में हमारे पास क्या आता है कि फॉर एग्जांपल, यहाँ एग्जांपल आपको शो हुए है कि स्लेव्स वर ब्रॉट टू अमेरिका, कि अगर किसको ज़बरदस्ती, गुलाम वगैरह को किसको ज़बरदस्ती आप एक इलाके से किसी दूसरे मुल्क में लेकर जाए या किसी दूसरे इलाके में लेकर जाए, वो हमारे पास क्या कहलाता है, इनवॉलेंट्री माइग्रेशन में आता है। और इन दोनों का हमारे पास बहुत ज़्यादा असर पड़ता है पॉपुलेशन साइज़ में। अब इमाइग्रेशन हमारे पास क्या है, इमाइग्रेशन का मतलब है माइग्रेशन इन टू एन एरिया इज़ नोन एज इमाइग्रेशन, कि हमारे पास अगर एक जगह से दूसरे किसी इलाके में जाकर इख्तियार रिहाइश इख्तियार करना या हिजरत करना, वो हमारे पास क्या कहलाता है, इमाइग्रेशन कहलाता है। और इमाइग्रेशन हमारे पास जो है एक इलाके से दूसरी जगह जाना, ठीक है। इमाइग्रेशन जो आई वाला है, इसका मतलब है कि किसी इलाके में जाके आप इख्तियार करते हो रिहाइश, और इमाइग्रेशन के कहते हैं क्या मतलब है कि उस इलाके से आप किसी दूसरे मुल्क में जाते हो पेशा मतलब इख्तियार करते हो रिहाइश इख्तियार करते हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग जो है वो अमेरिका जाते हैं, सऊदीया जाते हैं, और वहाँ जो है तो मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार करते, तो हमारे पास क्या कहलाते हैं, इमाइग्रेशन में कहलाते हैं, इमाइग्रेशन के फील्ड में आते हैं। फिर है इंटरनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन कहते हैं कि एक ही एरिया में, एक ही मुल्क में, एक ही मुल्क में रहकर आप एक जगह से दूसरी जगह जाके हिजरत करते हो, तो वह हमारे पास क्या कहलाता है, इंटरनल माइग्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी हमारे पास क्या है कि एक इलाका है, फॉर एग्जांपल एक इलाका है, उस इलाके में कितनी रिसोर्सेज हैं, कितनी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, और वो रिसोर्सेज कितने लोगों को अपने अंदर जगह दे सकते हैं। मतलब एक इलाका है, उस इलाके में पानी, गैस, बिजली, जितनी भी चीज़ें हैं वो रिसोर्सेज हैं, और उन रिसोर्सेज के लिहाज से कितने लोग वहाँ रह सकते हैं, तो वह हमारे पास क्या कहलाता है, कैरिंग कैपेसिटी में आता है। अब कैरिंग कैपेसिटी में हम अगर जानवर है तो जानवर की कैरिंग कैपेसिटी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ एग्ज़ाम्पल दिए आपको कि अगर एक बकरी है उसको ज़िंदा रहने के लिए अगर 50 यार्ड्स की ग्रास चाहिए हैं, ठीक है, तो कहते हैं कि हमारे पास पे जो 4 बकरियां होंगी उन्हें सर्वाइव करने के लिए, उन्हें ज़िंदा रहने के लिए 200 स्क्वायर जो रकबा है उनके इतने ग्रास, इतने एरिया का ग्रास उन्हें चाहिए होगा ज़िंदा रहने के लिए। अगर उससे कम होंगे तो हमारे पास जो गोट होंगे वो क्या होंगे, वो या तो मरेंगे या जो है तो उन्हें किल्लत का सामना, मतलब जो हमारे पास अफलास है उसका सामना करना पड़ेगा, ज़्यादातर तो वो हमारे पास मर जाते हैं। आगे हमारे पास कहते हैं कि ह्यूमन जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन है, उनकी कैपेसिटी को मेजर करना हमारे पास थोड़ा कम्प्लेक्स होता है, और ये हमारे पास क्या है कि इसके लिए हम टेक्नोलॉजीज़ जो है उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ तो हम क्या करते हैं कि एक इलाके से मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक इलाके में लोग रह रहे हैं, ठीक है, इंसानी आबादी है वहाँ पे, और वहाँ वो बढ़ रही हैं, और वहाँ की सहूलियात कम हैं, मतलब जितने रिसोर्सेज हैं वो आबादी के लिहाज से कम हैं, तो वहाँ के लोग क्या करेंगे, दूसरे एरिया से वो रिसोर्सेज माइग्रेट करके लेकर आएंगे, ठीक है, उन्हें शिफ्ट करके उस एरिया में अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए दूसरे इलाकों से चीज़ें मंगवाएंगे, उन्हें यूज़ करेंगे, ठीक है। यदि इससे हमारे पास सैनिटेशन, जो साफ़ पानी का जो प्रॉब्लम है, ये हमारे पास पैदा होते हैं। इसके अलावा जो बाकी ज़िंदगी गुजारने के जितने हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, जितने हमारे पास ज़रूरियात वगैरह है, उन पर क्या होता है, असर पड़ता है। पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ एक्चुअली हमारे पास क्या है, कहते हैं कि इसमें फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी और माइग्रेशन, इस तीनों की तीनों चीज़ें हमारे पास क्या करती हैं, पॉपुलेशन पे असर, पॉपुलेशन के साइज़ पे असर अंदाज होते हैं। फर्टिलिटी शरह पैदाइश, मोर्टेलिटी शरह अमवात, और माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, पॉपुलेशन के साइज़ पे असर इनका पड़ता है। कहते हैं कि जो हमारे पास पुअर कंट्रीज़ जो हैं, जो गरीब ममालिक हैं, वो ज़्यादातर क्या करते हैं, अपने ही मुल्क,
अपनी ही कंट्री के जो इंटरनल उनकी जो रिसोर्सेज है उन्हें यूज़ करते हैं या उन्हें रीयूज़ करते हैं तरक्की पाने के लिए, ठीक है। जबकि हमारे पास जो डेवलप कंट्रीज जो होती हैं, जो रिचर कंट्रीज होती हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने आप को डेवलप करने के लिए अपने मुल्क की रिसोर्सेज को भी वो यूज़ करते हैं, साथ में वो क्या करते हैं कि बाहर दूसरे मुल्क से भी रिसोर्सेज मंगवाते हैं और उनके ज़रिए जो है तो अपने मुल्क को और भी डेवलप करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज़ डिटरमाइंड बाय सबट्रैक्टिंग द क्रूड ग्रेथ रेट फ्रॉम द क्रूड बर्थ रेट। कहते हैं पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है ये हम किस चीज़ से वो करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि कितने शरह अमात हो रही है या कितने शरह पैदाश होती है, इन दोनों को कैलकुलेट करने से। कहते हैं कि वो अकवाम, वो नेशन जिनमें हमारे पास जो ग्रोथ रेट है वो कम है, तो कहते हैं वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज है। जाहिर बात है एक मुल्क की अगर जितनी आबादी कम होगी उतनी ही उस मुल्क की जो वो है रिसोर्सेज हैं वो उस बंदों के लिहाज से ज़्यादा होंगी, तो वो अपने एक्स्ट्रा जो रिसोर्सेज है उसे दूसरे मुल्क में एक्सपोर्ट करके पैसे कमा सकते हैं। इस तरह वो मुल्क हमारे पास क्या होता है, तरक्की कर जाता है। जबकि अगर हमारे पास कोई कौम है, कोई मुल्क है और वो हमारे पास उसकी आबादी ज़्यादा है तो हमारे पास उस लिहाज से कम इंडस्ट्रियलाइज होगी। क्यों? क्योंकि उनके अपने ही ज़रूरत पूरी नहीं हो रही तो वो खाक दूसरे अपने ज़रूरियात दूसरे मतलब अपने रिसोर्सेज दूसरे मुल्क में दूसरे कंट्रीज़ में वो भिजवाएगा, ठीक है। तो उन्हें क्या करेंगे, मजबूरन वो जो हमारे पास डेवलप कंट्रीज़ होंगे उनसे ही रिसोर्सेज, जैसा हम अगर पाकिस्तान के एग्ज़ाम्पल ले लें, पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा है और यहाँ जो हमारे पास रिसोर्सेज पैदा रिसोर्सेज हैं या जो पैदा हो रही हैं वो कम है आबादी के लिहाज से, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या करते हैं, बाकी मुल्कों से कर्ज़ा लेते हैं या वहाँ से रिसोर्सेज हासिल करें, तो इस तरह हमारा मुल्क जो है तो वो एक तो हमारे पास मकरूज़ भी हो जाते हैं, दूसरा इसके साथ साथ यहाँ की जो तरक्की है हमारे मुल्क की उस पर भी क्या पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक ख़त्म हो गया है, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू।